हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हरियाणा एसएससी की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है फॉर मेल एंड फीमेल तो 6000 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ की गई है जिसके लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पास किया है तो सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और 21 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट सो यहाँ पे आपको कोई फी नहीं देनी है 21 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन ट्राई करो कि पहले ही आप फॉर्म भर लो अब यहाँ पे इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में है सिक्स थाउजेंड टोटल पोस्ट आई है पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट है जिसमें जनरल ड्यूटी के लिए मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी नंबर वन में फाइव थाउजेंड पोस्ट है फॉर मेल एंड कैटेगरी टू में वन थाउजेंड पोस्ट है फॉर फीमेल तो मेल के लिए ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं तो आप टेन प्लस टू यानी कि ट्वेल्थ पास होनी चाहिए आपने ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन दे दिया है अपीयरिंग कैंडिडेट के बारे में आज सच कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है तो आप ट्वेल्थ पास होनी चाहिए मेट्रिक यानी कि टेंथ में आपका हिंदी या फिर संस्कृत इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और उसके बाद नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हाई एजुकेशन हाई एजुकेशन के लिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा भले आपने ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ट्वेल्थ पास है और टेंथ में आपका हिंदी या संस्कृत uh, होना होना चाहिए ठीक है बाकी और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसलिए हायर एजुकेशन के लिए कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा उसके बाद पे स्केल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर वन एंड टू दोनों के लिए जो कि दोनों ही कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है तो ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड आपकी बेसिक पे रहेगी लेवल थ्री की ये पोस्ट है और इसमें जो हरियाणा का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसके बेसिस पे आपको अलाउंसेस दी जाएगी एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 25 फाइव ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी सो फर्स्ट फेब्रवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि आपकी एज 18 से कम और 25 से ज्यादा ना हो एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे यहां थ्री ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा हर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इसके अलावा जो लोग भी एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में हैं उन सभी को भी यहाँ पे फाइव इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ठीक है देन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन क्या है एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो क्वालिफाइंग टेस्ट हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन शैल इन्वाइट एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओब्टेन बाई देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सो हरियाणा सी टी के पे पे मेजरमेंट टेस्ट होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये दोनों ही क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो नॉलेज टेस्ट जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपियर होना होता है जिसमें आपको कुछ आ, किलोमीटर्स रेस करने हैं और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो आपका जो टाइम लिमिट है यानी कि 12 मिनट में मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर रन करना है और फीमेल के लिए यहाँ पे 6 मिनट्स है जिसमें वन किलोमीटर रन करना और एक सर्विसमैन के लिए 5 मिनट्स में वन किलोमीटर रन करना है ठीक है तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है उसके बाद नॉलेज टेस्ट की बात करें तो ये 94.5 परसेंट वेटेज कैरी करता है आ, इसके बाद आपका 5.5 मार्क्स जो है वो एडिशनल वेटेज में जाएगा जिसमें आपको मैक्सिमम थ्री प्लस टू पॉइंट फाइव मिल सकता है सो so, ये एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए दिया जाएगा तो जिनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे आ, थ्री मार्क्स में से आपको जो भी देना होगा जो भी आपका सर्टिफिकेट लेवल है लाइक एनसी सर्टिफिकेट ए बी सी जिस लेवल का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे एंड उसी तरीके से क्राइटेरिया टू पॉइंट फाइव मार्क्स कैरी कर रहा है मैक्सिमम तो इसमें से जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट जो 94.5 मार्क्स का आपका नॉलेज टेस्ट होगा उसमें जनरल स्टडीज जनरल साइंस करेंट अफेयर्स जनरल रीजनिंग होगा मेंटल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री एंड अदर रिलीवेंट फील्ड्स या ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे टेन परसेंट आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और ट्वेंटी परसेंट हरियाणा के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ठीक है द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास टेन प्लस टू एग्जामिनेशन ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल सो ट्वेल्थ लेवल का ही क्वेश्चन होगा इससे हायर लेवल का नहीं जाएगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन ओ एम आर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा फॉर नॉलेज टेस्ट तो ये जो टेस्ट है ये बायलिंगुअल में होगा मतलब आप हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं एंड दे शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं यानी कि किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं कर रहे तो वहाँ पे ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर फाइव मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन में यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फोर फाइव का आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे ठीक है तो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होंगे जो कि आप 105 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे इसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में है अगर आप चाहो तो ये देख सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मेजर इंफॉमेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप फॉर्म फिल कर सके टाइम पे अप्लाई करने का लिंक और इस पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर कोई एलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट है या फिर कुछ भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और ऐसे और भी वैकेंसीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बहुत जल्द मिलते हैं और भी वैकेंसीज के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर